हिमाचल से राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। आपका। हेलो हेलो जी सर, बताइए। राकेश जी, जी, मैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राजेश शर्मा जी, मोदीनगर अच्छा, राजेश शर्मा जी, बताइए सर आपका सवाल। से। हकीम साहब से बात करा रहे थे। बात हो रही है शर्मा साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या हुक्म है। नमस्कार हकीम साहब, जय हिंद, स्वागत है मेरी कल भी आपसे बात हुई थी। जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि मुझे पेशाब की जो है प्रॉब्लम है जी, बहुत ज्यादा। तो आपने मुझे कल लाजवंती बताई थी कि एक चम्मच लाजवंती आप वो जो है गिलास में पानी लेके घोल के पी लें। तो जी। एक बार आपने ये इसी तरह का किसी को नुस्खा बताया था, तो उसमें लाजवंती, अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा वगैरह थे। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पुरानी है जी, इसका कोई ट्रीटमेंट हो तो आप बता दें जी वकील साहब। और मैं आपका वो नुस्खा भी ले रहा हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, सौंठ, सौंफ, जीरा, अजवाइन के साथ एक चुटकी वो जैतून का नमक, तो उससे मुझे बहुत फायदा है जी पेट में। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, क्योंकि आप ये नुस्खा ले रहे हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ आपको लाजवंती बताई, क्योंकि ये नुस्खा आप पहले से ले रहे हैं और इससे आपको फायदा है। मेरी किसी भी बात का एक मतलब होता है, जब आपसे बात होती है और आपसे जो कुछ मुझे मिलता है, जैसे मुझे पता चला कि आप ये 6-7 चीज़ों का नुस्खा ले रहे हैं, तो बस उसमें लाजवंती साथ में लेना काफ़ी है। वरना नुस्खा मैं दरअसल इस तरह बताता हूँ, आपने भी सही कहा है कि असली नुस्खा क्या है कि लाजवंती 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और ये आपका कत्था 100 ग्राम, इसब गोल की भूसी 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लेते हैं, बल्कि गोलियां बना लें काबली चने के बराबर, और 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, दूध से लेना बेहतर है। तो क्योंकि आप पहले से कई चीज़ें इसमें से खा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको लाजवंती बताई, वरना असली नुस्खा इसे कहते हैं। जी, हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। मेरे मालिक आपको मैंने टाइम प्लीज मेरी बात पूरी होने तक मुझे बोलने दीजिएगा। आप पीछे मेरी बात रोक देते हैं, तो अपनी दिल की बात आप तक कह नहीं पाती हूँ। मैंने सब लोगों के लिए मैसेज भेजना है अपनी तरफ से, सब भाई बहनों के लिए, और सब बाद में दूंगी, खुशखबरी है वो। कल बीच में मेरी बात अधूरी रह गई थी, दोबारा फोन लगा लेंगे। उन्होंने कहा अभी तो आपसे बात हुई थी, मैंने कहा ये बात भी ठीक है, हजारों लोग आज के लाइन में खड़े रहते हैं आपसे बात करने के लिए, जिनकी कॉल नहीं लगती वे तंग नहीं होते, बार बार ट्राई करते रहते हैं, इसी आस में कभी तो बात होगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये बात, मैंने भी दर्द बहुत सहा है। आप अपनी दवाइयां नहीं बेचते, बताते हैं छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं जो हमारी किचन में होते हैं, और हम लोग उसी से ही ठीक हो जाते हैं। यही आपका प्यार और आपका बड़प्पन है, शायद इसीलिए लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप भगवान के बहुत करीब हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी हमारे लिए दुआ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपका मुस्कुराना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जैसे आप हैं। दिल्ली के डॉक्टर तो बहुत कसाई हैं, वो छापने की मशीन है, वे लोगों के इमोशन से बहुत खेलते हैं, कोई बड़ी ऐसी है उनको कोई मतलब नहीं। मैं आपके पेशे और आपको सलाम करती हूँ। आप बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, साथ साथ शायर भी हैं, लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं। रात को 11 से 12 बजे आपका प्रोग्राम देखती थी, सुनकर के बहुत अच्छी नींद आती है। लॉकडाउन से आपका वो इशू बंद हो गया है, बताइएगा कब शुरू हो रहा है? आपने साबित कर दिया उम्र कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। आपने उर्दू में बीएड किया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन में, मुझे आप पे बहुत गर्व है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
आपका प्रोग्राम बाहर भी चलता है, शायद किसी को हिंदी ना आती हो, उनको भी मैसेज देना चाहूंगी। मैं बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर सच ए गुड डॉक्टर एज वेल एज शायर। फॉर यू एज इज नॉट ए बैरियर एज यू हैव अटेंड ए डिग्री इन बी ए सॉरी इन दिस एज एट ऑल गुड फर्स्ट पोजिशन इन दैट इन विच कमेंडेबल आई प्राउड ऑफ यू आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सच में आपकी इन बातों से तो फिदा हो गए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाचीज को इस लायक समझने के लिए। और देखिए, हाँ ये सच है कि अभी जैसे बात हो रही थी, मैं शेर भी सुना रहा था कि इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या। उजरत मतलब मेहनताना, जब मोहब्बत करते हैं खलूस है तो फिर उजरत कुछ नहीं। इखलास के सजदों में गुंजाइश है उजरत क्या, तुम उसको सजा देना जो तुमसे जजा मांगे। और मैं इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ जितना खलूस आपकी बातों में और जितना सम्मान आपकी अल्फाज में है। और क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी ही बला है कि आदमी जब मोहब्बत करने लगता है तो उसके ऐप छुप जाते हैं और उसकी खूबियां नज़र आती हैं। वही हाल हमारा और हमारे व्यूवर्स के प्रोग्राम का है, वरना कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें खामियां ना हो, खूबियां ही खूबियां हो, और आदमी खामियों का बना हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ ऐसा इलाज पहुंच जाए जो आप खुद कर सकें, ताकि नस्ल दर नस्ल ये रिवायत कायम हो जाए कि हमारे भारत के हर घर में एक वैद मौजूद है जो कम से कम 10-20 बीमारियों पर काबू रखता है। तो ये मुहिम में आप हमारे साथ हैं, हम आपसे बहुत अच्छी तवक्कु करते हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग हमें जुड़ गए। लेकिन हमें पता है कि आपका सम्मान हमारे लिए इतना है जैसे एक मामूली फ़कीर को और किसी सल्तनत के तख्त पर बिठा दिया जाए। आपका सम्मान हमारे मामूली इंसान के लिए इतना है। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपकी बड़ी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं जी। सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, अगर आप लाइन पे हैं तो कोई सवाल है आपका? हेलो, चलिए ठीक है, आपकी कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। मैम, कोई सवाल हो तो प्लीज़ दोबारा से हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगली कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है दयावती बहन का। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, आप बात बात में ना चीज ना बोलना करो, गुनाहगार ना बोलना करो, आप तो भगवान हो सब इंसानों के लिए, हमारे लिए भी। और देखो ना, आधी जिंदगी चली गई, हम ऐसे परेशान हो रहे, फिर आज हमने सही नुस्खा मिला है, सही असली भाई मिला है। मेरा भाई पता क्या बोलता है, कह रहा हमारे पास तो फोन नहीं करती, तू अपने भाई के पास दिन में 3 बार फोन करती है। मेरा भाई नंदनगढ़ में रहता भाई साहब, और वो सुनता है प्रॉपर आपको। अच्छा अच्छा। मैंने उनको बताया हुआ है इस चैनल पे इस टाइम आते हैं, तो आप सुना करो, देखा करो, एक्सरसाइज भी करते हैं वे। और बहुत मानते हैं आपको। फिर मेरी भाभी को बुला के बोलते हैं कि देखो दया बहन बोल रही है। एक दिन बोल रहा है कि मेरे से तो बात तू महीने में एक बार करती है, और भाई साहब से तो दिन में 3 बार बोलना रखती है। हाँ देखिए, रखना ना पड़ जाए हमारे और आपके भाई के दरमियान। बहुत खुश है, तो बहुत खुश रहते हैं। दवाई पूछते हैं, वो रोको बताता है, वो भी बताता है, वो रोको। और बताइए क्या सवाल है बहन का? और सवाल ये है भाई साहब, एक मेरी रिलेटिव है, तो उनकी ना आंखों के नीचे बहुत काले काले धब्बे हो रहे हैं, और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है,
और चलती है तो जैसे शरीर पर ना बोलती है जैसे वजन बढ़ गया है, 250 मन का वजन, पैर उठते नहीं है, शरीर ऐसा हो रहा है। तो वो दवाई भी खाती है, मतलब इंग्लिश दवाई, तो उनके लिए बता दो। कितनी उम्र है उनकी? उम्र उनकी मेरे ख्याल में तो 65-68 साल ऐसी होगी। ठीक है, ठीक है। देखिए ये उम्र में हमारी जिंदगी बोझ ना बने हमारे स्ट्रक्चर पर, हमारे ढांचे पर। अगर ऐसा लगता है कि कुछ बोझ सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, भारी भारी टांगे हो जाती हैं चलने में और दिल भारी रहता है, जिस्म भारी रहता है, तबीयत भारी रहती है, तो याद रखें कि दो इलाज करें अपने। एक तो अपना खून पतला करें, जो इस उम्र में प्राकृतिक तौर पर गाढ़ा होने लगता है, उससे हमारे जिस्म में सुस्ती आती है, डायबिटीज आती है, कोलेस्ट्रॉल आता है, हार्ट ब्लॉकेज आती है, तो खून पतला कर लें। उसके लिए जैतून का सिरका आपको मालूम ही है, और इसको और भी तेज़ करना हो तो एक चुटकी खाने का सोडा मिला के इस्तेमाल करें, तो ये और तेज़ी से काम करता है। और एक नसों को, जोड़ों को, डिस्क को, पट्ठों को मजबूत कर लें। उसके लिए गौंसिया आप जानते हैं, गौंसिया की एक या दो खुराकें आधा आधा ग्राम की लें, और जैतून का सिरका 2-2 चम्मच दो बार या एक बार लें पानी मिलाकर। ये फिर आपके पूरे जो शरीर की है वो रिपेयर कर देता है एक तरह से। जैसे किसी गाड़ी को चलाते हुए 10-5 साल हो जाते हैं ना, फिर एक बार उसकी ओवर हार्लिंग ही करानी पड़ती है तभी वो ठीक ठाक चलती है 10-20 साल। तो ये एक तरह की ओवर हार्लिंग है हमारे जिस्म की गाड़ी की। तो ये दो दवाएं आप उनके लिए इंतखाब कर सकते हैं, और 2-3 महीने लें या कम ज़्यादा, लेकिन फिर वो स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यशपाल जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार, आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है जी, मैंने दवाई दो बार मंगवाई आपके यहाँ से। ठीक है। हाँ जी, मेरे बेटे को मतलब दौरे पड़ रहे हैं, तो उसके लिए कैप्सूल दिए हैं आप लोगों ने यहाँ से, एम केयर काला गोंद आया है, लेकिन मैंने अपने लिए मंगवाया है जैतून, नमक और सिरका। अब मेरे को एक ना, चलो ठीक है, अभी तो देखो अभी आराम की तो पता चलेगी, पर मेरे को एक वो है कि एक तो मेरा बेटा बड़े वाला, उसका वजन बहुत बड़ा हुआ है, उसके लिए मुझे कोई दवा चाहिए। और एक मेरी पोती है, वो 11 साल की थी तब उसके डेट आने लग गई, फिर उसके 3 साल नहीं आई, फिर आने लग गई, फिर बंद है, मतलब साल साल भर में डेट आती है उसके। वो इस समय 13.5 साल की है। ठीक, तो इसके लिए प्लीज मुझे कोई दवाई बता। मतलब जो फीट पड़ते हैं बच्चे को, उसमें तो बहुत लंबा इलाज होता है, बहुत जल्दी फायदे की तमन्ना ना करें। और एलोपैथ में इसका सबसे अच्छा इलाज होता है, फिर भी वो ज़रूर ले रहे होंगे आप, उसको भी काबू नहीं आ रहा, तो ये दोनों दवाएं बच्चे को दें। गौंसिया आप अपने दर्द के रोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम गौंसिया खाएं, तो किसी भी तरह का दर्द, चाहे जोड़ों का हो, चाहे पिंडलियों का हो, थाइस का हो, फूलों का हो, और डिस्क का हो, मोढ़ों का, कहीं का भी, लगातार लेने से कौन से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वज़न जिनका बढ़ रहा है उन्हें नमक जैतून आपने मंगाया है, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा जो मीठा सोडा कहलाता है आपके किचन में, वो पानी में मिला के दिन में एक बार या दो बार बच्चे को पिलाएं, और डाइट कंट्रोल करने को और पैदल चलने को धूप में 1 घंटा ज़रूर कहें, इससे बच्चे का वज़न कम हो सकता है। और क्या, जैतून का सिरका 2-2 चम्मच लिया जाता है दिन में 2 टाइम, खाने के बाद पानी में मिलाकर लेना बेहतर है।